जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी में समाधान कैंप में पहुंचे दबंगों ने पहले विद्युत अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जमकर अभद्रता करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली। इसके बाद जब बकायेदारों ने बिजली कनेक्शन काटने पहुंचे, कर्मचारियों को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व विद्युत कर्मी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आज रक्षा क्षेत्र के ग्राम ढिकोली में विद्युत विभाग का एक मुफ्त समाधान दिवस का कैंप लगा था, जिसमें SDO सहित कई विद्युत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बताया जा रहा, गांव के ही रहने वाले दबंग युवक कैंप में पहुंचे और अकारण ही दबंगई दिखाते हुए गाली गलौज पर धमकी देकर भाग गए। इसके बाद SDO और XCN के निर्देश पर विद्युत विभाग का लाइनमैन नया गांव निवासी कल्याण राजपूत अपने साथी कर्मचारी रोहित राजपूत के साथ बकायेदारों के कनेक्शन काटने पहुंचे, तो वहीं तीनों दबंगों ने उन्हें घेर लिया और लात घूसों से जमीन पर पटक पटक कर जमकर मारपीट की। इसी प्रकार दोनों कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और उच्चाधिकारियों को सूचित किया। सूचना पर पुलिस की ओर से विद्युत अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तीनों दबंगों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस अग्रिम कार्यवाही अमल में ला रही है। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट।